राधे राधे दोस्तों, आज मैं दियाबाती बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। गैस को मैंने बिल्कुल धीमे कर स्लो करा है। उसमें एक बड़ा चम्मच घी का लिया है। ये मैंने वैक्स लिए। मेरे पास दो कैंडल थी, उनको मैंने कट कर लिया बारीक बारीक अच्छे से, और अब मेल्ट करने के लिए घी के अंदर डाल देते हैं। और ये मैंने कपूर लिए हैं, 10 से 15 कपूर के टुकड़े लिए हैं, ये भी घी में डाल देते हैं। अब इन दोनों को घी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने तक गर्म करते हैं। ये जो बाती है गर्मियों में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। किसी मंदिर में जाओ तो उसको बस निकाल के लेके जा सकते हैं। कपूर और वैक्स दोनों मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये मैंने आइस ट्रे लिया है, जो नीचे इसमें सिलिकॉन का है, तो इसमें आसानी से निकल जाएगी। और मेरी बातियों को अच्छे से घी में पहले ही डिप कर दिया था। इस तरीके से इसमें अच्छे से सब कुछ सेट कर लेंगे। अब जो वो मैंने वैक्स और कपूर ये अच्छे से मेल्ट करा हुआ घी है, इसको एक एक चम्मच इसके अंदर सब में भरेंगे अच्छे से। इस तरीके से सभी में भर लेंगे। देखिए मैंने सब में भर लिया, और जो बचा जो मैंने कटोरी के अंदर कुछ 7 से 8 बाती को एक ही करके और उसके अंदर जमाने के लिए रख दिया मैंने। ये भी सेट हो जाएगी इसके अंदर। अब 1 घंटे तक या तो पंखे की हवा में ही रखो या फ्रिज के अंदर रख दो, तो फटाफट से सेट हो जाएगी। मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये सभी देखो इस तरीके से आसानी से निकल गई इसमें, और साइज सेट हो चुकी है। ये कटोरी वाली भी आसानी से निकल जाएगी। अब इन सभी बातियों को निकाल के एक जार के अंदर भर के रख देंगे। कि जब भी आपको दिया जलाना हो तब इसको जार में से निकाला और फटाफट जला दिया, ना घी डालने बार बार घी डालने का झंझट आएगी, बत्तियां ढूंढने की ज़रूरत पड़ती। अब आइए मंदिर में दिया जला के बताते हैं। देखिए मंदिर में मैंने ये दिया जला दिया।
बाल गोपाल के सामने। देख कितने अच्छे से जल दिया जल प्रज्वलित हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।